बड़े तेजी से भाग रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे एक पुरानी कोठी दिखती है। मनोज उसमें घुस जाता है। उस कोठी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बाल बाल बच गया, अगर आज पकड़ा जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कब तक ऐसे ही भागोगे? भाग कर जाओगे कहां तक? आज नहीं तो कल इसका जुर्माना भरना ही होगा तुम्हें। कब तक ऐसे ही चोरी करते रहोगे बताओ? वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि मनोज एक चोर है। बूढ़ी औरत उससे पूछती है, चोरी क्यों करते हो? क्या वजह है चोरी की? लालच या फिर मजबूरी? लालच के कारण मैं चोरी नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है। मेरी 10 साल की लड़की है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और गांव में दवाई बड़ी महंगी बिकती है, इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी के। अम्मा, मेरी बेटी शिवानी को छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? जी, भूख तो लगी है मुझे। वो बूढ़ी औरत मनोज को अपने हाथों से मैगी बनाकर देती है। वो पहले क्या करता था उस बारे में पूछती है। पहले मैं गांव में मिल्कशेक बेचा करता था, मगर अब वो धंधा भी ठप पड़ गया, इसलिए अपनी बच्ची की खातिर मैं चोरी करने लगा। बूढ़ी औरत उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हें चोरी छोड़नी होगी और जिस जिस से तुमने पैसे चुराए हैं उन्हें जाकर वो पैसे वापस करने होंगे। अम्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तुम अपना काम बाएं हाथ से करते हो या फिर दाएं हाथ से? जी, मैं अपना काम दाएं हाथ से करता हूँ। फिर ठीक है। बुढ़िया वो चम्मच मनोज को देती है। वो कोई ऐसा वैसा चम्मच नहीं था, वो जादुई चम्मच था। ये जादुई चम्मच है, आज से तुम नया काम शुरू करना। मेरे घर से मैगी ले जाओ और मैगी मिल्क शेक बनाना शुरू कर दो। और याद रखना, इस चम्मच को हमेशा अपने दाएं हाथ से इस्तेमाल करना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मनोज चम्मच और कुछ मैगी लेकर घर चला जाता है। घर में उसकी बेटी शिवानी बहुत बीमार थी। शिवानी को देखकर मनोज उससे कहता है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं कल से मैगी बेचना शुरू करूँगा। मगर पापा, आपको मैगी बनानी आती है? नहीं बेटा, अब वो कल ही जाकर देखना पड़ेगा। एक अच्छी अम्मा ने मुझे मैगी मिल्कशेक बेचने के लिए कहा है, तो कल से मैं मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मनोज अपने ठेले पर पहुंच जाता है और बूढ़ी औरत के दिए गए चम्मच से मैगी को हिलाने लगता है। जब वो मैगी मिल्कशेक बना रहा था, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। फिर से मिल्कशेक का धंधा शुरू कर दिया? मिल्कशेक तो मगर इस गांव में बिकती नहीं है, तो क्यों फिर से धंधा शुरू कर रहे हो? ये सिर्फ मिल्कशेक नहीं है, ये मैगी मिल्कशेक है। मैगी मिल्कशेक? लाओ जरा, मैं भी चक्कर देखूं कि तुम कैसी मिल्कशेक बनाकर गांव में बेच रहे हो। हाँ, अभी देता हूँ। मनोज उस व्यक्ति को मैगी मिल्कशेक का एक प्लेट देता है। वो व्यक्ति जैसे ही उसे खाता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, वाह मनोज भाई वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर मानो दिल को सुकून मिल गया। लाओ भाई, एक प्लेट और बना कर दो। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे करके मनोज की मैगी मिल्कशेक अच्छे से बिकने लगी। मनोज सबके चुराए पैसे भी वापस कर देता है। बस जमींदार के पैसे वापस करने बाकी रह गए थे। मनोज जमींदार के घर जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके पास से कई दिनों पहले कुछ पैसे चुराए थे, मैं आपको वो पैसे वापस देने आया हूँ और साथ में दुकान की मैगी मिल्कशेक भी लाया हूँ।
बताओ, मेरे घर से तुमने पैसे चुराए और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पास पैसे ही इतने हैं, इसीलिए भूल जाता हूँ। मगर तुमने मेरे घर से चोरी की थी, मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। उसके दो गुने पैसे लाकर देने होंगे तुम्हें। जी मैं दुगने पैसे ही लेकर आया हूँ। जिस जिसके घर से मैंने पैसे चुराए थे उन सबको मैं दो गुने रकम ही दे रहा हूँ, और साथ में अपनी मैगी मिल्कशेक भी। मनोज जमींदार को पैसे वापस दे देता है। जमींदार आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये मनोज के पास इतने पैसे आए कैसे, कि ये सब तो चुराई हुई रकम का दुगना वापस कर रहा है। जमींदार अपने चेले गुल्लू को बुलाता है। ए गुल्लू, ये गांव का चोर मनोज अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर किसके घर इतना बड़ा डाका डाला है इसने? डाका नहीं, धंधा खोला है मनोज ने, मैगी मिल्कशेक का, जो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया है। मैंने सुना है कि उसकी मैगी मिल्कशेक को खाते ही दिल में अलग ही सुकून मिलता है। अच्छा, जरा मैं भी तो चेक कर देखूं इस मैगी मिल्कशेक को। जमींदार मैगी मिल्कशेक को चेक कर देखता है। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये मैगी मिल्कशेक। अब समझ में आया कि क्यों उस मनोज के पास इतने पैसे आ गए हैं। मालिक, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कोई ना कोई तो राज जरूर होगा जो वो इतनी स्वादिष्ट मैगी मिल्कशेक बना रहा है। जाओ गुल्लू, जरा देख कर आओ क्या माजरा है। गुल्लू अगले दिन मनोज की दुकान पर जाता है ये देखने कि वो मैगी मिल्कशेक को किस तरह से बनाता है। पहुँचते ही वो मनोज से कहता है, अरे मनोज लाओ भाई, मुझे भी एक प्लेट मैगी मिल्कशेक देना। हाँ गुल्लू, अभी देता हूँ। मनोज गुल्लू को एक प्लेट मैगी मिल्कशेक देता है। मिल्कशेक खाते खाते गुल्लू मनोज से सवाल पूछता है, अरे मनोज भाई एक बात बताओ, तुम इतनी स्वादिष्ट जो मैगी मिल्कशेक बनाते हो उसका राज क्या है भाई? उसका राज ये चम्मच है, ये जादू चम्मच है। उस कढ़ाई का खाना बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। क्या है ऐसा इस चम्मच में? मनोज गुल्लू को अपनी बेटी से लेकर उस बूढ़ी औरत तक की सारी कहानी बता देता है, और गुल्लू सारी बातें सुनकर जाकर जमींदार को बता देता है। तो ये माजरा है गुल्लू, मुझे वो चम्मच चाहिए, मैं खुद का मैगी मिल्कशेक का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। तो मालिक अब आगे क्या सोचा है? हम उसके दुकान पर जाकर उसके उस चम्मच को चुरा लेंगे। चोर के घर से चोरी। मालिक आप तो बड़े चोर निकले। चुप रहो और रात होते ही मेरे साथ चलना। रात होते ही जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर मनोज की दुकान में घुस जाते हैं और उस चम्मच को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी गुल्लू को वो चम्मच दिखाई देती है। मालिक देखिए, वो जादुई चम्मच यहाँ पर रखा हुआ है। तो देख क्या रहा है बुद्धू, उठा कर लेकर आ। अगली सुबह जब मनोज अपनी दुकान पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका चम्मच नहीं रखा होता है। वो हर जगह अपने चम्मच को ढूंढता है मगर उसे वो चम्मच कहीं दिखाई नहीं देता। आज पहली बार था जब उसकी बेटी उसके साथ दुकान तक चल कर आई थी। बेटी, मैंने यहीं पर वो चम्मच रखी थी मगर मुझे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ पूरी तरह। आज से हम दोनों साथ मिलकर खूब मेहनत करके पैसे कमाएंगे। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर की ही महिमा होगी। और दूसरी ओर जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर खुद की मैगी मिल्कशेक की दुकान खोलते हैं। मगर एक बात इनमें अलग थी, जमींदार और गुल्लू दोनों ही बाएं हाथ से अपना काम किया करते थे। बुढ़िया ने चम्मच देते समय मनोज से कहा था, अच्छा है तुम दाएं हाथ से काम करते हो, क्योंकि अगर बाएं हाथ से काम करते तो ये चम्मच उल्टा काम करता। एक औरत वहां से गुजरती है और जमींदार की मैगी मिल्कशेक को देखकर वहां पर रुक जाती है। अरे जमींदार साहब, आपने भी मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरे गांव में सबसे अच्छा मैगी मिल्कशेक मैं ही बनाता हूँ, उस मनोज से भी अच्छा।
अगर ऐसा है तो मुझे भी खिलाइए ना ये मैगी मिल्क शेक। जी अभी खिलाता हूँ। ऐ गुल्लू, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी मिल्क शेक देने। जी मालिक। गुल्लू एक प्लेट मैगी मिल्क शेक निकाल कर ग्राहक को दे देता है। दिखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे ही वो औरत एक चम्मच उस मैगी मिल्क शेक का निवाला खाती है, वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। छी, ये क्या खिला दिया मुझे? इतना गंदा मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खाया। आप जमींदार होकर अपने ग्राहकों को इतना गंदा खाना खिलाते हो? अरे गुल्लू, जरा मुझे चखने के लिए देना। उसे खाते ही वो गुल्लू से कहता है, छी गुल्लू, तुमने बनाने के बाद इसे चखा नहीं था क्या? जब ये सब हो रहा था तभी वहाँ पर प्रधान और मनोज आ जाते हैं और जमींदार से कहते हैं, जमींदार, जिस चम्मच को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो चम्मच मनोज का है, उसे वो चम्मच वापस कर दो। नहीं प्रधान जी, आपको तो पता है कि ये मनोज चोरी किया करता था, इसने ये चम्मच भी मुझसे चुरा लिया था, मैंने बस मेरा सामान वापस लिया है। झूठ, साफ साफ झूठ, क्योंकि ये चम्मच मेरे पूर्वजों का है जिसे मेरे माता जी ने मनोज को दिया था। वो बूढ़ी औरत प्रधान जी की माँ थी और रात के समय प्रधान जी गांव के काम से लेट घर जा रहे थे, तभी उन्होंने जमींदार और गुल्लू को मनोज की दुकान से बाहर जाते हुए देखा। मैंने कुछ नहीं किया प्रधान जी, मैंने तो सब कुछ जमींदार जी के कहने पर किया था। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी, अभी के अभी तुम दोनों को गांव से निकाला जाता है। जमींदार और गुल्लू दोनों को प्रधान जी गांव से बाहर निकाल देते हैं और मनोज के पास वापस उसकी चम्मच आ जाती है। पापापुर नाम का एक गांव था जो उत्तराखंड में था। उसी गांव में प्रेमनाथ खेती किया करता था और उसका बेटा प्रवीण मैगी बेचा करता था। वैसे तो प्रवीण इंजीनियर था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से मैगी का स्टॉल लगाकर मैगी बेचता और कभी कभार खेती करने में अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो, सारी जमीन जायदाद गिरवी रख कर तुम्हें इंजीनियर बनाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है, हम कैसे अपनी गिरवी जमीने छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैंने पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, और अब तुम मैगी बेच रहे हो, शहर जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाते हो? कम से कम दो पैसे ज्यादा आएंगे। अपना व्यापार अपना होता है पिताजी, जब मन किया खोल दिया, ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनाने वाला, इसी वजह से मैं ये छोटी सी मैगी स्टॉल लगा रहा हूँ। प्रवीण और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने बेटे रघु के साथ आ गया और कहने लगा, मैं दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है, हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। रघु, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल तक मत छोड़ना, सब लेकर चलो। जैसा आप कहे पिताजी, इनके सिट्टे पिट्टे अभी गुल करता हूँ। रघु उनके घर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहे तो इस लड़के की मैगी की स्टॉल भी ले लूं। इंजीनियर होकर तुम मैगी बेच रहे हो, धिक्कार है तुम पर, ले लो इसके मैगी का स्टॉल भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, हम दोनों बाप बेटे भूखे मर जाएंगे, ऐसा ना करो। प्रवीण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार उसके छेले की मैगी और घर का सारा सामान लेकर चले गए। पूरे गाँव में उनकी इज्जत उछाली गयी। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों आप हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं? पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन गिरवी रख दी, सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रवीण गुस्से से एक पत्थर उठाता है
और आसमान की तरफ उछाल देता है और वो पत्थर उसके गांव के पास वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लगभग 300 सालों बाद, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं, तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ वरना वो तपस्वी मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ प्रवीण उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था, तब उस आत्मा ने प्रवीण को लकड़ी काटते हुए देखा। इतना कहकर वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, हो ना हो, इसी आदमी ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, नमस्ते भाई साहब। उस आत्मा की आवाज सुनकर प्रवीण बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कौन हो तुम और हवा में उड़ कैसे रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले 300 सालों से कैद हूँ। मैं जिस मटके में कैद था उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा जिस वजह से मैं आजाद हो गया। हाँ तब मैं गुस्से में था, चलो जाओ मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी दो विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? तो सुनो। प्रवीण ने उस आत्मा को अपनी सारी कहानी बताई, इंजीनियर से लेकर जमींदार के लूटपाट करने तक। सारी सच्चाई सुनकर उस आत्मा ने कहा, जब मैं इंसान हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने की अब है। अच्छा हुआ उस तपस्वी ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका कोई उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम तो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम अब से जो भी खेती करोगे वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी मैगी की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़ कर उसमें पानी डालकर देखो। प्रवीण ने ठीक वैसा ही किया। उसी वक्त प्रवीण ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर मैगी लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गया। ये तो सच में मैगी की खेती हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें, दूसरा वरदान ये है कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुंचाई है वो खुद गिड़गिड़ा कर तुमसे माफी मांगेगा पूरी सभा के सामने, लेकिन तुम्हें उसे मैगी खिलानी होगी, उसके बाद ही ये मुमकिन है। मेरे दो वरदान तुम्हारे लिए खत्म हो गए, अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया दोस्त मुझे आजाद करने के लिए। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से उड़ गया और प्रवीण को दो वरदान देकर चला गया। और उसके बाद प्रवीण अपने बचे हुए जमीन पर कुदाल चलाने लगा और जैसे ही उस पर पानी डाला सब जगह मैगी के पेड़ उगने लगे। बेटा तुमने ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी मैगी की फसलें कैसे हो गई? मैगी उपजाऊ कैसे हो सकती है भला? अब से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए, आप देखते जाइए उस जमींदार की अकल मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। प्रवीण ने उस जमींदार को अपने घर पर मैगी का आमंत्रण दिया और एक चिट्ठी लिखकर उसके घर भेज दी। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे घर अपने बच्चे के साथ आइए और पैसे लेकर जाइए। उस दो कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे इस तरह से चिट्ठी भेज रहा है, उसकी तो खैर नहीं। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो प्रवीण और प्रेमनाथ के घर के पास पहुँचता है उसे मैगी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। इतनी अच्छी सुगंध, इस लड़के के हाथ की मैगी सब खाते हैं। एक बार मैं भी खाकर देखता हूँ, पैसे की बात बाद में कर लूंगा। जैसे ही जमींदार प्रवीण की बनाई हुई मैगी को खाता है उस आत्मा का दिया हुआ वरदान सच हो जाता है। जमींदार का सिर चकराने लगता है और वो कहता है,
मुझे माफ करना प्रवीण, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तुमसे पूरे गांव के सामने माफी मांगूंगा। बदले में तुम पूरे गांव को मैगी की दावत दे देना। जी ये मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वैसा ही हुआ। जमींदार ने सबके सामने प्रेमनाथ और प्रवीण से माफी मांगी और उनकी जमीनें उन्हें वापस लौटा दी। गांव वालों ने मैगी की खेती शुरू कर दी। वो गांव अब मैगी की खेती के नाम से